नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 के लिए सभी टीमें तैयारियां कर रही हैं, वहीं भारतीय टीम ने भी अपना 15 सदस्यीय स्क्वाड जारी कर दिया था, जिसमें हमने देखा कि कुछ खिलाड़ी यहां पर मिसिंग नजर आ रहे थे। बड़ी ही जोरदार अपीलें की जा रही थी, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे थे कि आखिर यूजी चहल और रविचंद्रन अश्विन को मौका क्यों नहीं दिया गया। टीम में स्पिनर की बात करें तो उसमें कुलदीप यादव के अलावा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद एक और स्पिनर की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। ये बात सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि आखिर भारतीय कंडीशंस में सिर्फ कुलदीप यादव के अलावा, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ऑलराउंडर्स हैं, तो ऐसे में क्या एक स्पिनर की कमी भारतीय टीम को खल सकती है। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे और अब एक बड़ी अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सितंबर के अंत तक आप टीम में बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या रविचंद्रन अश्विन को टीम में इंक्लूड किया जाएगा, उसकी एक झलक शायद मिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल रविचंद्रन अश्विन इस वक्त बेंगलोर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए में गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो व्हाइट गेंद से यानी कि सफेद गेंद से लिमिटेड ओवर्स की जो गेंद होती है उससे पसीना बहाते हुए अभ्यास करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां पर मौजूद थे एनसीए के अध्यक्ष वीवीएस लक्ष्मण और एनसीए के बोलिंग कोच भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अश्विन लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस चीज की जिज्ञासा होने लगी कि क्या रविचंद्रन अश्विन को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है, क्या एक और स्पिनर जिसकी मांग लगातार की जा रही थी उस स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन हमें नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी कि T20 या फिर वनडे के अगर मुकाबलों की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने अपना आखिरी मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेला था। उसके बाद से रविचंद्रन अश्विन व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमें नजर नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा, इंडियन कंडीशंस में क्या रविचंद्रन अश्विन को इंक्लूड ना करके टीम मैनेजमेंट ने कोई गलती की है और क्या टीम मैनेजमेंट उस गलती को सुधार रहा है, इसका इशारा क्या हमें एनसीए से मिल रहा है, ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर रविचंद्रन अश्विन प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपका क्या मानना है, क्या रविचंद्रन अश्विन को स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए, क्या वो प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, यूजी चहल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।